Hello kids, good morning. I hope you are well and safe. Today our subject is general science. And our chapter is chapter number 3, food from plants. बच्चों जनरल साइंस के पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 19 तक देखा था चैप्टर 3 जो मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही थी। तो अब उसमें एक टॉपिक हमारा रह गया है पेज नंबर 20 पे। आइए हम देखते हैं स्पाइसेस यानी मसाले। जैसे वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स जो है वो हमें स्पाइसेस यानी मसाले भी देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे नीचे पिक्चर के साथ उसके नाम भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्लोव, कार्डमम, चिली, टर्मरिक, क्लो यानी लविंग, आपने देखा होगा लविंग, कार्डमम यानी इलायची, चिली यानी लाल मिर्च, टर्मरिक यानी हल्दी। तो ये आपने इसको आपके किचन में आपकी मम्मी को भी पता होगा, और अगर आपने नहीं देखे तो आप आपके मम्मी को बोलना कि वो आपको ये सारे मसाले दिखाए। तो इस तरह इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। नाउ आई नो सम प्लांट्स गिव अस सीरियल्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हमें सीरियल्स यानी अनाज देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस पल्सेस, कुछ प्लांट्स हमें दाल भी देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल, और कुछ प्लांट्स वेजिटेबल भी देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस एडिबली ऑयल्स, और खाद्य तेल भी देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस शुगर, टी एंड कॉफी, कुछ प्लांट्स जो है वो हमें शुगर, टी और कॉफी भी देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस फ्लैशी एंड जूसी फ्रूट्स, और कुछ प्लांट्स जो है वो हमें रसदार और जूसी फ्रूट्स देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस ड्राई फ्रूट्स, और कुछ प्लांट्स जो है वो हमें ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। और सम प्लांट्स हमें स्पाइसेस यानी मसाले भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सप्लेन फिनिश होता है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप उसके नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। नीचे दिए हुए सभी के हमें दो दो एग्जांपल लिखने हैं। फर्स्ट है सीरियल्स, यानी हमें दो सीरियल्स यानी दो अनाज के नाम लिखने हैं। तो मैंने वहाँ आंसर लिखे है वीट एंड राइस। सेकेंड पल्सेस, तो मैंने लिखे पी यानि बटाने, और ग्रीन ग्राम यानि मूंग। थर्ड ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने लिखे अलमोंड एंड वॉलनट। फोर्थ प्लांट्स गिविंग एडेबली ऑयल, खाद्य तेल जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, तो मैंने लिखा है सनफ्लावर एंड तिल। एंड फिफ्थ इज वेजिटेबल्स ईटन एज सलाद, ऐसे वेजिटेबल के नाम लिखो जिसे हम सलाद यानि कच्चा सलाद बना के खा सकते हैं, तो मैंने लिखा है कैरोट एंड रेडिश। क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द राइट वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड। आपको डार्क अक्षर में दो स्पेलिंग दिए हुए है, और पूरा सेंटेंस पढ़ के जो सही नाम है उसके ऊपर राइट करना है। ग्राउंडनट और कैशो नट ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग, तो इन दोनों में से ग्राउंड नट जो है वो ऑयल है, और कैशो नट जो है वो ड्राई फ्रूट्स है। तो हम कुकिंग के लिए तेल को यूज करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को नहीं। तो हम राइट किस पे करेंगे, ग्राउंड नट पे। सेकेंड पोटेटो अ कैरोट कैन बी ईटन रो, आप कच्चा इन दोनों में से किसे खा सकते हैं, तो कैरोट को, हम पोटेटो को कच्चा नहीं खा सकते, तो कैरोट पे राइट करेंगे। देन पम्पकिन एंड कुकुम्बर इज यूज टू प्रिपेयर सलाद, सलाद के लिए कुकुम्बर यूज होता है, पम्पकिन यूज नहीं होता, तो कुकुम्बर पे राइट करेंगे। लास्ट अलमोंड एंड एप्पल इज अ ड्राई फ्रूट्स, तो अलमोंड जो है वो ड्राई फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, तो हम अलमोंड पे राइट। एंड देन पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग।
आपको जो पूछा गया है उसके नेम लिखने हैं। फर्स्ट योर फेवरेट फ्रूट, आपको अपने फेवरेट फ्रूट की स्पेलिंग लिखनी है। मैंने यहाँ पे अपने पसंद का सारा लिखा है, आपको अपने पसंद का लिखना है। मैंने लिखा है ग्रेप्स, आपको आपका जो फेवरेट फ्रूट हो उसका नाम लिखना है। सेकंड द वेजिटेबल यू लाइक मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा वेजिटेबल जो पसंद हो उसका नाम लिखना है। द एडेबली ऑयल यूज इन योर होम फॉर कुकिंग, आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए कौन सा तेल यूज करती है उसका नाम आपको लिखना है। फोर्थ द ड्राई फ्रूट्स यू लाइक मोस्ट, द ड्राई फ्रूट्स यू लाइक मोस्ट, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसकी स्पेलिंग वहाँ पे लिखनी है। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द सुटेबल बाय ड्रॉइंग एरोस, आपको यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी। तो फर्स्ट है बर्ली, तो बर्ली क्या है, सीरियल्स, तो सीरियल्स के साथ डी में उसको मैच करना है। सेकेंड उड़द, उड़द जो है वो पल्सेस है, दाल का नाम है, तो उड़द को बी के साथ मैच करना है। थर्ड इज ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है वो वेजिटेबल है, तो आपको ए के साथ उसे मैच करना है। एंड फोर्थ इज एप्पल, एप्पल जो है वो फ्रूट है, तो फोर्थ वाले को ई के साथ मैच करना है। एंड लास्ट नीचे दिया हुआ है कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स, आपको नीचे दो पिक्चर दिए हुए है उसको आपको अच्छे से कलर करना है। तो आपको होमवर्क में पेज नंबर 20 एंड 21 अच्छे से पूरा एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया वैसे गुड हैंडराइटिंग में लिख के उसको कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। थैंक यू।